बनती है वो आप जानते हैं। उसमें आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी जिसमें उस रेसिपी का नाम है आम का कुच्चा। अगर आप लोग को ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछला वीडियो में रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई थी इसलिए सॉरी। आज आप फिर से आपसे बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आम का कुच्चा। देखिए मैंने मार्केट से ये आम लिए हैं, इसको मैंने पहले पानी से बढ़िया से धो दिए हैं। उसके बाद ये सारा आम को ये छील दूँगी। आम का कुच्चा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जिस तरह आप आम का अचार बनाते हैं उसी तरह ये भी बनती है, बस थोड़ा सा अलग। आम ही एक ऐसा फल है जो कि ना जाने कितने तरह का इसका रेसिपी बनती है। कहा गया है फलों का राजा आम। आज मैं आपको उसी में से एक रेसिपी बताऊंगी आम का कुच्चा। देखिए मैंने सारा आम ये कच्चे आम सारे छील दिए हैं। इसको अब मैं इसे काट दूंगी, छोटे छोटे भागों में इसे ये कट जाएगी। ये आम का आम को हमने ये ढंग से ये काट दिए हैं। देखिए जैसे आपको सुविधा हो जाए, लंबा हो छोटा हो, जिस तरह आपको सुविधा हो जाए आप उसे काट दीजिए। उसके बाद इसमें हल्का सा अब सरसों तेल इसमें डाल दें ताकि इसको आप धूप में रख दीजिए एक दिन के लिए। ये धूप में इसका सारा पानी सूख जाता है और ये आम खराब नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल के डाल दी हूँ। अब मैं इसे एक दिन के लिए इसमें धूप में रखूँगी, इसका सारा पानी सूख जाएगी। ये आम का कुच्चा बनाने के लिए मसाला क्या क्या पड़ता है मैं आपको बताती हूँ। जवाइन मंगरेला, मेथी, सौंफ, धनिया, मिर्चा, जीरा गुड़की, हल्दी, नमक और सरसों तेल। आप ये सारे मसाले घर में तैयार कर लें, उसके बाद ये आम का कुच्चा बनाएं जो मैं इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी। देखिए मैंने जो आम को धूप में रखे थे वो इस ढंग का हो गया है। गीला तो ज़रूर होती है और इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये ख़राब नहीं होती। अब इसमें कैसे ये मसाला इसे मिलेगा और क्या क्या मसाला पड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये मसाला धनिया, मिर्चा, जीरा गुलकी, ये सब का मैंने घर में तैयार किए हैं जो इसमें मैं डाल दे रही हूँ। और ये जवाइन मंगरेला, ये सौंफ,
मेथी, ये नमक, ये हल्दी, ये सरसों तेल। देखिए मैं किस तरह से ये तेल डाल दे रही हूँ। ये सारा मसाला को आप इस ढंग से ये मिला दीजिए। ये आम का कुच्चा बिल्कुल गीला होता है, जैसे आम का अचार थोड़ा कड़ा होता है, लेकिन ये आम का कुच्चा बिल्कुल गीला होता है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखिए किस ढंग से ये मैंने इसे सारा मसाला इसमें मिला दिए हैं। एक डब्बा लें और एक डब्बे में इसे भर दें। एक से दो दिन धूप में रख दीजिए और ये खाने के लायक बन जाती है। ये आम का कुच्चा बेहद स्वादिष्ट बनती है। जिस तरह आप अपने घरों में आम का अचार बनाते हैं, उसी तरह ये कुच्चा बनती है, थोड़ा सा अलग। आम का अचार थोड़ा टाइट होता है और ये आम का कुच्चा थोड़ा गीला होता है और खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट लगती है। इस ढंग से आपको आप अपने घरों में ये अचार बनाएं। देखिए ये तीन दिन के बाद मैं इस डब्बे को खोल रही हूँ, ये मेरा आम का कुच्चा बन के तैयार हो गई है। देखिए ये आम का कुच्चा गल के थोड़ा सा हो गया है। ये गीला होता है, ये सूखा अचार नहीं बनती है। ये जैसे आम का चटनी बनती है उस तरह ये बिल्कुल गीला बनती है और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। जैसे मैंने अपना आम का कुच्चा बनाया है, उस ढंग से आप अपने घरों में बनाएं, ये बेहद स्वादिष्ट बनती है। आम का ये अलग ही रेसिपी ये होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछला वीडियो में मैंने रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।